आज हम पारिवारिक वाद विवाद को डिस्कस करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज का जो समय चल रहा है, इसमें मैक्सिमम फैमिलीज में कोई ना कोई क्लैशेस देखने को मिलता है। और ये जो मैक्सिमम क्लैशेस होते हैं, वो दो जनरेशन के बीच में होते हैं, यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन। इन दोनों जनरेशन की जो विचारधाराएं हैं, वो आपस में मैच नहीं कर पाती। या यूँ कह लीजिए कि इन दोनों जेनरेशन के सोचने का तरीका डिफरेंट है। ये जो घरों में क्लैशेस होते हैं, ये बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज दोनों सिचुएशन में देखने को मिलते हैं। हमारा आज मेन जो टॉपिक है वो पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट पर है। तो सबसे पहले परिवार की भूमिका को समझ लेते हैं। परिवार पति पत्नी और उनके बच्चों का समूह है जो आपस में एक साथ रहते हैं। अगर हम ज्वाइंट फैमिली को देखें तो उसमें पति पत्नी और उनके बच्चों के अलावा दादा दादी, बुआ, ताया चाचा आदि सगे संबंधी भी एक साथ रहते हैं। अब इस पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जब दो जीवन शादी के बंधन में बंधते हैं, तो दोनों जीवन की जो फैमिली की बैकग्राउंड होती है, सोशल वैल्यूज होती है, इंटरेस्ट होता है, वो अलग अलग होता है, एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो पाता। दोनों फैमिली के जो आचार व्यवहार होता है, खान पान होता है, कार्यशैली होती है, वे भी डिफरेंट होती है। शादी के बाद क्योंकि लड़की अपने ससुराल फैमिली में आती है, तो उसके लिए जो इन-लॉज फैमिली के मेंबर होते हैं, वो सभी अननोन होते हैं। वो इनके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए थोड़ा टाइम जो है एडजस्टमेंट के लिए लग जाता है। अगर फैमिली कोऑपरेटिव नेचर की है तो ये एडजस्टमेंट जो है थोड़ी जल्दी हो जाती है। परंतु कई बार ये जो एडजस्टमेंट होती है, ये लंबे समय तक नहीं हो पाती, या यूँ कह लीजिए कि छोटे छोटे क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो मेन क्लैशेस आते हैं, जैसे सास बहू के बीच में आ गया, ननद भाभी के बीच में आ गया, और इवन कई बार तो भाई भाई के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। भाई भाई के बीच में लेन देन के कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। हम मेनली न्यू वेडिड कपल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जब सास बहू के बीच में क्लैशेज आ जाते हैं, तो कई बार ये ईगो का क्लैशेज आ जाता है। सास की शिकायत होती है कि शादी के बाद जो उसका बेटा है, वो बिल्कुल चेंज हो गया है, वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करता है। उधर बहू की शिकायत होती है कि हमें शादी के बाद एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें। तो दोनों के बीच में कोई ना कोई क्लैशेज होता है। सास की शिकायत बहू के प्रति होती है, बहू की सास के प्रति हो जाती है। ननद भाभी की नेचर आपस में नहीं मैच कर पाते, इसलिए उनके बीच में भी समटाइम्स क्लैशेज देखने को मिलता है। और पेरेंट्स की सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है कि उन्होंने अपना जीवन अपने बेटे की परवरिश, अच्छी एजुकेशन, अच्छे कैरियर के लिए सेक्रीफाइस कर लिया, और अब बेटा जो यंग एज में है, या अब उसकी जो मैरिज हो गई है, तो वो पेरेंट्स को इग्नोर कर रहा है। इस तरह के क्लैशेस परिवारों में देखने को मिलते हैं। आज हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग कॉज और सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।